केरल के कोची के कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:45 बजे बम धमाका हुआ है। यहाँ यहोवा समुदाय के 3 दिनों का प्रेयर कन्वेंशन हो रहा था। आज इस कन्वेंशन का आखिरी दिन था। यहोवा समुदाय यहूदी परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। इस धमाके में 1 महिला की मौत हुई है जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। क्या कहना है DGP साहब का, ये सुनवाते हैं आपको। There was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. We will be constituting a special team for this today itself. Today, after I reach the spot, we'll constitute a special team. तो जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, इस धमाके के बारे में कहा जा रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट के जरिए जो है ये धमाका किया गया। जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत की है और हर संभव का भरोसा दिया है। केंद्र जो है अपनी NIA और NSG की टीम वहाँ पर भेज रही है जो कि इसकी जांच करेगी। निहाल के पास चलते हैं। निहाल, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साफ कर दिया है केरल सरकार ने कि उन्होंने स्पेशल टीम का गठन किया है जिसको कि ADGP रैंक के अधिकारी इसको लीड करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, ताकि जांच को जल्द से जल्द पूरी की जा सके। लेकिन चूंकि ये धमाका है, बॉम्ब ब्लास्ट है, और ऐसे में NIA इसकी जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है, NIA की टीम और NSG की टीम वहां पर पहुंच रही है। NIA की फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच रही है। जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि केरल के पुलिस चीफ ने कहा कि ये IED धमाका लगता है प्रथम दृष्टया, यानी प्राइमा फेसी, और इसलिए इस एंगल से भी जांच की जा रही है। केरल के जो मंत्री है उनका कहना है कि ये पहली बार केरल में इस तरह के धमाके किसी प्रेयर हॉल में देखने को मिला है। ऐसे में ये काफी संवेदनशील मामला है, वो ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने देश भर में ये अलर्ट भेजा था जब से हमास और इसराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, कि जितने भी इस तरह के संवेदनशील बैठके हो या इसराइल से जुड़े हुए मामले हो वहां पर खास नजर रखी जाए। इसके बावजूद जब प्रेयर का तीसरा दिन था कन्वेंशन हॉल में, तो बीच में जो प्रेयर हॉल था उसके बीच में एक बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद आई विटनेसेस के मुताबिक 2 और धमाके हुए, उसमें एक महिला की जान गई। 8 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं जिनको IICU में रखा गया। तो ये बहुत काफी चिंता की बात।